ने कहा है कि मैं व्यक्तिगत चाहता हूं कि प्रदेश में शराबबंदी हो। स्वाति जी बिल्कुल, सीएम भूपेश बघेल आज अपने बस्तर के संभागीय दौरे पर संभागीय सम्मेलन के लिए निकले। निकलने के पहले पत्रकारों से हेलीपैड पर चर्चा करते हुए उन्होंने शराबबंदी के प्रश्न पर यह बात कही है कि शराबबंदी की जगह पूरे प्रदेश में नशाबंदी होना चाहिए, नशा मुक्त प्रदेश होना चाहिए। लेकिन चूंकि शराब एक एडिक्शन है, एक तरह का लोगों का लत है जिसको एक झटके में बंद करना मुश्किल है। एक आदेश निकालते ही प्रदेश में शराब बिकनी तो बंद हो जाएगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दूसरे प्रदेशों से इलीगल शराब जो है वो प्रदेश में खपाने का जो डर है वो हमेशा प्रदेश में बना हुआ है। तो इस तमाम तरह की बातों में उन्होंने अपने व्यक्तिगत राय रखते हुए भी कहा कि मैं व्यक्तिगत तौर पर चाहता हूं कि प्रदेश में शराबबंदी हो जाए, प्रदेश में नशाबंदी हो जाए, लेकिन फिर भी एक झटके में फैसले लेने के बाद बहुतों के जान जाने का डर जो है वो हमेशा बना रहेगा, और उसके बाद दूसरे प्रदेशों से शराब लाकर खपाने की जो प्रक्रिया है वो प्रदेश में शुरू हो जाएगी, क्योंकि लैंडलॉक स्टेट है छत्तीसगढ़। तो इस तरह की बातें जो है वो हमेशा प्रदेश में निकल कर आती रही है। तो ये आज जो सीएम भूपेश बघेल का बयान है ये कई मायनों में ये बता रहा है कि प्रदेश में अभी भी नशा मुक्ति जो है, माफी चाहूंगी, शराबबंदी जो है वो थोड़ी मुश्किल है। जी स्वाति, हमने देखा है कि विपक्षी पार्टियां जो हैं वो लगातार कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाती रही है कि पहले सीएम बयान दिया था, सीएम ने बोला था कि छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो नशा मुक्त राज्य बन जाएगा, शराबबंदी होगी, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां लगातार आरोप लगाती है कि पहले ऐलान किया जाता है, योजना लाई जाती है, लेकिन वो खरी नहीं उतरती है, नशा मुक्त छत्तीसगढ़ नहीं बन पाया है। क्या कहेंगी स्वाति इस बात पर, लगातार विपक्षी पार्टियां कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाती हैं? जी बिल्कुल, विपक्ष लगातार इस विषय पर सरकार पर हमलावर रहा है। कई मुद्दों पर, कई समय पर इस मुद्दे को विपक्ष द्वारा उठाया भी गया है। विपक्ष का लगातार आरोप है कि सरकार जो है इस अगर सरकार आने के पहले जब विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस पार्टी इस चीज को अपने मैनिफेस्टो में ला सकती है तो अब इस तरह के काम क्यों नहीं हो सकते, शराबबंदी का काम प्रदेश में क्यों नहीं किया जा सकता। तो उसी के जवाब में प्रदेश सरकार ने कमेटी भी बनाई है, जो कमेटी अभी तक गुजरात का दौरा कर चुकी है, बिहार का दौरा कर चुकी है, साउथ के कुछ स्टेट्स का दौरा कर चुकी है जहां पर शराबबंदी की गई है, लेकिन उसके बाद भी उसका रिजल्ट जो अभी तक रिपोर्ट आ जानी थी वो रिपोर्ट अभी तक टेबल नहीं की गई है सरकार को। तो उस रिपोर्ट का भी कुछ इंतजार है, और कुछ इस बात की जो ये बात कई बार निकल के आती है कि छत्तीसगढ़ जो है वो लैंडलॉक स्टेट है, तो कहीं ना कहीं अगर प्रदेश में शराबबंदी होती है तो गुजरात या बिहार की तर्ज पर दूसरे प्रदेश से लाकर यहाँ पर शराब की खपत होगी। और कई बार हमने देखा है कि जो ड्राई स्टेट से जहाँ पर अल्कोहल पूरी तरीके से पाबंदित है उसके बाद भी वहां पर जहरीली शराब बिकती है। तो इस तरह की बातों के जरिए सीएम भूपेश बघेल कई बार अपनी चिंता प्रदेश में शराबबंदी को लेकर जाहिर कर चुके हैं। तो यहाँ पर अगर तो बीजेपी का क्लियर यहाँ पे आरोप रहता है सरकार पर कि अगर नहीं कर सकते थे तो उन्होंने वादे क्यों किए। तो इस तरह की बयानबाजी जो है शराबबंदी को लेकर प्रदेश में कई बार देखी गई है और अभी भी निरंतर जारी है इस पर बयानबाजी। जी जी बिल्कुल स्वाति, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।